उधर सऊदी अरब ने भी आतंकी हमले की आशंका की वजह से पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देश अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुके हैं और ये आशंका जता चुके हैं कि इस्लामाबाद पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इससे पहले 23 दिसंबर को शहर के एक रिहायशी इलाके में आत्मघाती हमला हुआ था। इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया और अब सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर सावधानी बरतने और पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि 2008 की तरह ही आतंकी इस्लामाबाद के मैरियट होटल को एक बार फिर निशाना बना सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान के आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मकरान गिरोह से हाथ मिला लिया, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ये दोनों आतंकी संगठन लामबंद होकर किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके संकेत तब मिले जब 23 दिसंबर को इस्लामाबाद में एक आत्मघाती हमला हुआ जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन TTP ने ली। उसने ये भी ऐलान किया कि मकरान गिरोह ने उससे हाथ मिला लिया है। मकरान गिरोह बलूचिस्तान के मकरान डिवीजन में सक्रिय है। ये बलूचिस्तान के उन इलाकों में से है जो पहले से ही बलोच विद्रोहियों की कार्रवाई से प्रभावित है। यही नहीं, ग्वादर भी मकरान डिवीजन का हिस्सा है। ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले रास्ते भी यहीं से होकर गुजरते हैं और अगर इस इलाके पर TTP का कब्जा हो गया तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इधर दिल्ली नगर निगम MCD में BJP भी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था और उसके अगले ही दिन BJP ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। पार्टी की तरफ से रेखा गुप्ता ने मेयर जबकि कमल बागड़ी ने डिप्टी मेयर का पर्चा भरा। पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। 6 जनवरी को होने वाली MCD की बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। उधर दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने नया दांव खेला। उसने इन दोनों पदों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय ने मेयर और आले मोहम्मद ने डिप्टी मेयर पद के लिए पर्चा भरा था, जिसके अगले दिन पार्टी ने आशु ठाकुर को मेयर और जलज कुमार को डिप्टी मेयर पद के लिए उतार दिया ताकि अगर किसी वजह से पहले घोषित 2 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द हो जाए तो नए चेहरे MCD में इन पदों के लिए चुनाव लड़ सकें। इस बीच तुर्की ने अब अपने पड़ोस में मौजूद टापू देश साइप्रस को आंखें दिखानी शुरू कर दी। तुर्की ने आरोप लगाया कि साइप्रस इलाके में टेंशन बढ़ा रहा है। पिछले हफ्ते ही इटली और फ्रांस की एनर्जी कंपनियों को साइप्रस के पास नेचुरल गैस का नया भंडार मिला था, उसी पर तुर्की ने साइप्रस को धमकी दे दी और कहा कि साइप्रस एक तरफा तौर पर समंदर से गैस नहीं निकाल सकता। बात असल में यह है कि साइप्रस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। उसके उत्तरी हिस्से पर तुर्की का कब्जा है जिसे सिर्फ तुर्की ही अलग देश कहता है। वहीं टापू के दक्षिणी हिस्से में ग्रीक मूल के लोगों का दबदबा है जिन्हें ग्रीस का समर्थन हासिल है। ऐसे में तुर्की ने आरोप लगाया कि गैस के भंडार पर उत्तरी साइप्रस का भी हक है, लेकिन दक्षिणी साइप्रस की हरकत ने इलाके में टेंशन बढ़ा दी है। इधर यूपी में निकाय चुनावों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए OBC आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार अगर निकाय चुनाव कराना चाहे तो आरक्षित सीटों को सामान्य सीटें मानकर चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला आते ही यूपी सरकार पर विपक्ष के हमले तेज हो गए। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले OBC समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का ऐलान किया था, लेकिन हाई कोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई संस्थाओं ने याचिकाएं दायर कर दी। आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम तय किए हैं उनका पालन यूपी सरकार ने नहीं किया। हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने तक चुनाव पर रोक लगा दी थी।